लोकसभा चुनाव के सभी चरणों का समापन हो गया है, एग्जिट पोल्स भी सामने आ गए हैं, लेकिन बंगाल सुर्खियों में बना था, सुर्खियों में बना हुआ है। और इन सब के बीच जो एग्जिट पोल के आंकड़े बंगाल को लेकर आए हैं, उस पर भी चर्चा बहुत तेजी के साथ हो रही है, चर्चा लोगों के इंटरेस्ट का विषय बनी हुई है। हम बात करेंगे देवाश्री चौधरी जी से, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कोलकाता साउथ से प्रत्याशी हैं बीजेपी की। मैम, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं, ये उसमें एबीपी न्यूज की वोटर का जो आया है कि 353 से 383 सीट्स एनडीए की आ सकती हैं, तो इसको लेकर आप लोगों का जो आत्मबल था और बढ़ा है, आश्वस्त हो गए हैं रिजल्ट आने के पहले ही? देखिए, बुरा मत मानिएगा, हम लोग पहले से जो सुनते हैं वो आंकड़ा सुनते हैं हमारे नेताओं को, और हमारे नेताओं को हम भगवान ही मानते हैं। मोदी जी तो कब बता दिया है, भरोसा आप लोगों का नहीं हो रहा था, लेकिन देश का लगभग एक बड़ा हिस्सा मानना शुरू किया था। इस बार 400 बार एनडीए का, ये तो कब से नारा लगा दिया हम लोग। तो उसी समय हमारे मनोबल था, पहले दिन से हमारे मनोबल था। जिस दिन आखिरी बार सदन में प्रधानमंत्री जी का समापन भाषण हुआ है, उस दिन प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, इसमें जो कुछ था, हमारे पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता के नाते वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द था। वही हमारे पूरा इंथू बढ़ाते हैं, हमारे डेडिकेशन बढ़ाते हैं, हमारे काम के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं। इसलिए उस विषय लेके हम लोग चले हैं। प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोला है कि हम लोग 400 आंकड़े पार करेंगे, उसके साथ हम लोग ऐसे जिंदगी जिएंगे, सरकार चलाएंगे, सत्ता में आएंगे, बहुत मजा आएगा, ऐसा नहीं बोले। लेकिन जो शब्दों का साथ हमारे साथ आते हैं, उनका जो था, इस बार 400 पार करके हम आएंगे, और भारत के बदलाव के लिए और भी कठिन से कठिन परिश्रम से हम लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हमारे लिए है। हम लोग जो भाजपा वाले हैं, वो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारे जो ये जो इन्हीं शब्दों जो आते हैं, इनसे हम लोग पूरा बंगाल को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं, इसमें 23 से 27 सीट एनडीए और टीएमसी को 13 से 17 ही मिल पा रहे हैं, तो क्या बंगाल में भी धीरे धीरे आप लोग बढ़ रहे हैं, 2 सीट से 18 पहुँचे, 18 से 23 से 27 का आंकड़ा आ रहा है, तो ये परिस्थिति क्यों बदल रही, कैसे बदल रही है? देखिए, बहुत पहले पश्चिम बंगला का लोग निर्णय ले लिया था, यहाँ से ये जो भ्रष्टाचारी झूठ बोलने वाले और पूरा प्रदेश का गुमराह करने वाली ये जो महिला मुख्यमंत्री है, इसे हटाने के लिए निर्णय 2021 में ही ले लिया था। लेकिन हम लोग इसका जो क्या बोले, जो स्ट्रेटेजी जो था, और जैसे गद्दारी पश्चिम बंगला के साथ हुई थी, मैनिपुलेशन जैसे हुए थी, उसके कारण 21 में हम लोग फसल नहीं उठा पाए हैं। इस बार लोग तो इनका जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं, और ममता बनर्जी इन 2 सालों में इनका इतना अच्छा प्रदर्शन कर दिया है, इनका अंदर में जो था छुपा के 21 के बाद उभर के आ गया है। मंत्री लोग को एक एक जेल जाना शुरू हो गया है, सचिव लोगों का एक एक करके जेल जाना शुरू हो गया है, जब पीसी भतीजा का करीब वाले लोग जेल जाना शुरू हो गया है, तो ये चेहरा लोग देख लिया, तो लोगों ने तो निर्णय ले ही लिया। बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव पूरे क्यों नहीं हो पाते, ये तो आपको पूरा गवेषणा का विषय होना चाहिए, क्यों नहीं होते हैं पश्चिम बंगला में, आपका ये शोध का विषय होना चाहिए ना, पूरा देश का। एक बंगाल में क्या है, हर चुनाव में हिंसा, काल इलेक्शन के साथों साथ हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो गाड़ी चलाए हैं, इनको भी पिटाई हो गया है, इतना ज़बरदस्त पिटाई कर दिया है इन लोगों ने, और इलाका में घेरने का मतलब भी रखा था, तो क्यों नहीं होते हैं, पूरा देश को सोचना चाहिए और इसको ठीक भी करना चाहिए। इतना दवाई की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, वो दवाई हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। 23 से 27 सीटें अगर आती हैं एनडीए की, तो दवाई हो जाएगी, मतलब ये हिंसा रहित चुनाव होने लगेंगे बंगाल में?
हिंसा मुक्त चुनाव के लिए शुद्ध मात्र भारतीय जनता पार्टी का जरूरत है यहाँ पे सत्ता पे। पहले यूपी में क्या होता था, यूपी में दादागिरी कैस दर तक था, कमर में 2-3 मशीन लेके घूमने वाले लोग आज कहाँ है क्या? नहीं है। बिहार में होता था, आज है क्या? मध्य प्रदेश में होता था, आज ऐसा होता है क्या? तो एकमात्र केवल ही केवल भाजपा सत्ता हमें आएंगे तब ये प्रक्रिया बंद होने वाला है। एक सवाल और है, राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि जो एग्जिट पोल हैं ये असल में भ्रम है, हम इस बार टक्कर दे रहे हैं और हम जीतेंगे, आप लोग आखिरी समय तक जो काउंटिंग स्टेशन है वहाँ नज़र बनाए रखिएगा क्योंकि गड़बड़ी की जा सकती है। हर कार्यकर्ता के लिए नेता लोगों का ऐसा ही भाषण होना चाहिए, नहीं तो कल 9 बजे से ये लोग तो पोलिंग काउंटिंग स्टेशन छोड़ना शुरू करेंगे। एक तो ये भी मुद्दा है, दूसरा राहुल गांधी अभी कुछ देर तक ऐश में सपना में रह सकेंगे, कांग्रेस वालों भी कुछ देर तक ऐश कर सकेंगे, बाद में तो इनका तो मुश्किल हो जाएगा, इतना गिरेगा, इतना नीचे घट जाएगा, इसके बाद तो उनका ऑफिस में ताला भी लगेगा, सब एक एक बंद हो जाएगा, कुछ लोग इनको बेच डालेगा। पिछले बार कन्हैया कुमार कहाँ से आने का समय एसी खुल के लाए थे ऑफिस से, ऐसा शुरू हो जाएगा, दरवाज़ा खिड़की इन लोगों का आदत है, खुल के बेचना शुरू करेंगे, कुछ देर तक तो के रक्षा हो जाएगा ना। आखिरी सवाल, आपका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या रिपोर्ट है, आपको किस तरीके का यहाँ पर समर्थन मिला? समर्थन क्या मिला है, 4 तारीख को जो EVM खोलेगा उस समय पता चलेगा, समर्थन क्या था वो लोग देख लिया। और काल जहाँ पे मुख्यमंत्री का परिवार को मुझे रोकने के लिए रास्ते में उतरना पड़ा, वही बोल रहे हैं समर्थन क्या है मेरा। मैम से बात करने के लिए, तो कुल मिलाकर जो बात हो रही है, मैम का कहना है कि 383 की जो बात एग्जिट पोल कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री ने, उनके नेता ने 400 पार की बात कही थी, तो उनका यकीन उस पर है। साथ ही बंगाल को लेकर उनका कहना यह है कि यहाँ पर जब BJP के सांसद ज़्यादा होंगे तभी बंगाल में हिंसामुक्त चुनाव हो सकते हैं। और रही बात विपक्ष की, तो उनका कहना यह है कि वो जो भी बातें कर रहे हैं 4 जून को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, भागम भाग ना हो पार्टी के भीतर, इसलिए जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि काउंटिंग पर नज़र बनाए रखना। तो कुल मिलाकर आत्मविश्वास है और उनका कहना है कि 400 पार का जो नारा दिया गया था हमें उस पर यकीन है। जितेंद्र के साथ अवधेश, ABP News, कोलकाता।